सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्ची खुशी तो बांटने में ही मिलती है, चाहे जीत हो या विचार। सफल होना चाहते हैं तो फल की नहीं अपने कर्म की चिंता करनी होगी। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सुनार के द्वारा पीटा गया लोहा, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात। आज का पंचांग 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 6:46 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 6:15 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:13 से 9:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:30 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। त्योहार और व्रत की बात करें तो आज अनक त्रयोदशी व्रत, सोमवार प्रदोष व्रत और प्रदोष व्रत रहेगा। कर्क राशि 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार। आज आप किसी भी अच्छे बुरे तरीके से अपना लक्ष्य पा लेने के मूड में हैं। काफी हद तक हादसे पर रहने के बाद आपको आज अपनी ग्रहों की बदौलत काफी आत्मविश्वास का अनुभव होगा। आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकती हैं। यकीन मानिए वे सही ही साबित होंगे। किसी अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी। धर्म कर्म संबंधित कार्य और समाज सेवी संस्था के सहयोग में आपका समय व्यतीत होगा। इससे आपको आत्मिक सुकून मिलेगा और आप अपनी कार्यों को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगी। जीवन में कई सारी बातों में बदलाव नजर आएगा। इस बदलाव को अपनाते समय मानसिक रूप से आपको बेचैनी हो सकती है। हर एक काम वक्त पर पूरा होगा इस बात का विश्वास बना रहेगा, इस कारण प्रसन्नता रहेगी। काम संबंधित हर एक जिम्मेदारी डेडलाइन से पहले पूरी करने की कोशिश करें। आपके विचारों में जिस प्रकार से बदलाव आएगा उसी तरह से रिलेशनशिप बदलता हुआ दिखाई देगा। शारीरिक समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। सावधानियां, किसी भी तरह की उधारी अथवा लोन लेने की स्थिति से परहेज रखें। संतान को करियर संबंधित कोई काम न बनने से तनाव रह सकता है, उसका आत्मबल बनाए रखने में आपका सहयोग जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तता के बीच जीवन साथी तथा परिजनों के लिए भी समय जरूर निकालें, इससे आपसे संबंधों में और अधिक नजदीकियां बढ़ेगी। अच्छा, आपको अपने साथी के अचानक आए बदलाव के कारण को जानने में मदद मिलेगी। आप कुछ समय से उस पर कम ध्यान दे रहे थे, आज अपने साथी को लाड प्यार करने का समय है। आज अपने साथी को लंबे सैर और खरीदारी पर लेकर जाएं, एक साथ शाम का खाना खाएं, अपने साथी को बधाई दें। आप वही ताजगी और चिंगारी अपने जीवन साथी में देखेंगे। बात करते हैं करियर की। आज जहां तक पैसे की बात है तो आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। अगर अतीत में आपने किसी को धन उधार दिया है तो आपको अपने पैसे वापस मिल सकते हैं। आपकी किस्मत चीट फंड या जुए की किसी अन्य रूप में आपको वित्तीय लाभ पहुंचा सकती है। छात्रों का करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा या किसी भी परीक्षा में अगर वे बैठेंगे तो उन्हें अच्छा परिणाम भी मिलेगा। व्यवसायिक संबंधित नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में तरक्की होने की संभावना है। कामकाज की अधिकता रहेगी परंतु उसके सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे। ऑफिशियल गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। सेहत की बात करते हैं। आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाती हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा।
आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगी। अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दे तो यह समझ ले के आलसी हूँ और किसी चीज के लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आज का उपाय, आज अब शंकर भगवान जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।